जिस बाहुबली के नाम से प्रयागराज में दहशत मची हुई है, जिसके गुर्गों ने दिन दहाड़े प्रयागराज में खुलेआम खून की होली खेली, अब आप समझ गए होंगे कि हम अतीक अहमद की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह था अतीक अहमद। जेल जाने से पहले अतीक का जलवा ऐसा था जैसे किसी राजा महाराजा का हुआ करता है। अतीक को राजा महाराजा वाली ठाट विरासत में नहीं मिली थी। एक समय ऐसा था कि अतीक के पिता तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में तांगा चलाते थे। उसके जरायन के दुनिया में कदम रखते ही पूर्वांचल में खौफ पैदा हो गया था। अब इससे ज्यादा अतीक के बारे में जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। 10 अगस्त 1962, जगह चकिया, प्रयागराज। एक तांगे वाले के घर में जन्म हुआ। माता पिता ने बच्चे का नाम रखा अतीक अहमद। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। किसी तरह मुफलिसी में उन्होंने अतीक को पढ़ाया, लेकिन हाई स्कूल में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसे अमीर बनना था, इसलिए अपराध की दुनिया में उसने कदम रखा। साल 1980 के दौरान प्रयागराज में खान बाबा का जलवा था। उसकी तूती पूरी प्रयागराज में बोलती थी। पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके इलाके में चले जाए। उस समय एंट्री होती है अतीक अहमद की। खान बाबा को लगा था कि तांगे वाले के लड़के को पल भर में मसल कर रख देंगे, लेकिन अतीक ने ऐसी धोबी पछाड़ मारी कि बाबा समेत उसके दूसरे गुर्गों का सफाया कर दिया। यहीं से जुर्म की दुनिया में अतीक की एंट्री हुई। संगम नगरी समेत पूर्वांचल में अतीक की तूती बोलती है। क्या पुलिस, क्या प्रशासन, सभी इसके सामने नतमस्तक रहते थे। अतीक के गुंडा बनने की कहानी शुरू होती है साल 1989 से। अतीक अहमद पर पहली बार हत्या का आरोप लगा और यहां से अतीक के खौफ, दबंगई और राजनीतिक हनक का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसके किस्से पूरे सूबे में फैले। अतीक ने पैसे और ताकत की हनक की चाह में उनसे सारे गैर कानूनी काम कराए। अगले 3 दशक तक उसने प्रयागराज, फूलपुर और चित्रकूट में बड़ा गिरोह चलाया। अब साल आता है 1989। 1989 में अतीक ने पहली बार राजनीति में अपना कदम रखा। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से उसने चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव जीतकर वो उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचा। अतीक लगातार 3 बार निर्दलीय चुनाव जीता। इतना खौफ था कि कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। अतीक को 1996 में सपा ने टिकट दिया और जीत दर्ज की। फिर साल 2002 में उसने अपना दल से चुनाव जीता। साल 2004 में अतीक अहमद सपा के टिकट से सांसद का चुनाव लड़ा। फूलपुर से अतीक अहमद सांसद बन गया। सांसद बनने के बाद अतीक ने प्रयागराज के पश्चिमी विधानसभा सीट छोड़ दी। साल 2004 में सीट पर उपचुनाव हुआ। अतीक ने सपा के टिकट पर अपने छोटे भाई अशरफ को लड़वाया। यही से कहानी में ट्विस्ट आता है और एक पात्र की एंट्री होती है, वो है राजूपाल। राजूपाल अतीक अहमद के भाई को टक्कर देने के लिए बसपा से चुनाव लड़ता है। अतीक की गैंग ने कभी राजूपाल को गंभीरता से नहीं लिया। चुनावी नतीजे आते ही अतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजूपाल की 5,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई। फिर आया दिन 25 जनवरी 2005 का। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजूपाल कहीं जा रहा था, तभी उसके गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू होती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले राजू के शरीर में 19 गोलियां दाग दी जाती हैं। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। आरोप लगता है अतीक अहमद और उनके भाई पर। अतीक अहमद का राजू मर्डर के बाद पतन शुरू हो गया। साल 2012 में अपना दल से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। राजूपाल की पत्नी पूजा पाल ने भारी मतों से अतीक को हरा दिया। साल 2014 में भी वो चुनाव हार गया। साल 2018 में उपचुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी हार हाथ लगी। इधर अतीक पर कानूनी शिकंजा कस रहा था। मौजूदा वक्त में वो गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। अतीक के 2 बेटे पुलिस रिमांड पर हैं और 2 बेटे जेल में बंद हैं। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से हत्या के मामले में जुड़ा है और अब उसका नाम उमेश पाल की हत्या में सामने आया है। उमेश पाल 19 साल पहले हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था।